गर्मियां अभी शुरू भी नहीं हुई और हमीरपुर जिला का सुजानपुर क्षेत्र अभी से दहशत में जीने को मजबूर हो गया है। दहशत कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि खौफनाक आतंक वाली यह दहशत है। दो खूंखार पागल कुत्तों की जो घूम घूम कर लोगों को नोचते फिर रहे हैं। मौत का साक्षात एजेंट बने कुत्ते अब तक 12 बेकसूर लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। ऐसा नहीं कि स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर नहीं, पर लाख हाथ पैर मारने के बावजूद ये हाथ नहीं आ रहे। ये भूत की तरह कहीं भी प्रकट होकर लोगों को नोच रहे हैं और फिर न जाने कहां गायब हो जाते हैं। उपमंडल की पंचायत चबूतरा में बुधवार को इनमें से एक ने आधा दर्जन लोगों को काट खाया। शिकार बने दो लोग हमीरपुर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जबकि अन्य सिविल अस्पताल सुजानपुर में इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं। अभी शाम घिरी ही नहीं थी कि मौत का दूसरा परवाना सुजानपुर शहर में नमूदार हुआ और देखते ही देखते लोगों पर टूट पड़ा। इससे पहले कि लोग संभल पाते इस पागल कुत्ते ने 6 को काट खाया और गायब हो गया। यहाँ घायल होने वालों में 2 छोटे बच्चे शामिल है और उन्हें गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उधर उपमंडल अधिकारी शिवदेव सिंह ने आतंक की सूचना मिलते ही सुजानपुर के सभी उच्च अधिकारियों से बैठक के बाद दमकल विभाग और होमगार्ड की टीम को कुत्तों को काबू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यही नहीं, सुजानपुर प्रशासन ने माइक से अनाउंसमेंट करवाकर शहर के लोगों को सावधान रहने को कहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।